Let's do question number first of exercise 4C, that is rational number. Question number first is, add the following rational numbers. Hame add karna hai, friends. First part, 12 upon 7 and 3 upon 7. फ्रेंड्स देखिए इसमें डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है तो हमें कुछ नहीं करना सिंपली 12 अपॉन 7 लिखना है प्लस 3 अपॉन 7 एलसीएम लेंगे तो दोनों का सेम है तो 7 एज इट इज लिख दीजिए और ऊपर की वैल्यूज एज इट इज लिख दीजिए दैट मींस 12 प्लस 3 15 अपॉन 7 इज द आंसर लेट्स डू सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट इज माइनस 2 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 5 तो ऐड करेंगे माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 5 एज इट इज़ लिख देंगे माइनस 2 एज इट इज़ ऊपर की वैल्यूज भी एज इट इज़ आप देखिए एक माइनस का है एक प्लस का है जब भी दो ऑपोजिट साइन होते हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होता तो आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जैसे कि 2 में से 1 लेस हुआ तो 1 बचा राइट फ्रेंड्स लेकिन जो साइन इसके आगे जो साइन लगेगा वो बड़े वाले का लगेगा वैल्यू क्या बड़ी है 2 बड़ी है तो 2 के आगे क्या लग रहा है माइनस तो माइनस 1 अपॉन 5 इज द आंसर लेट्स डू थर्ड पार्ट इज 3 अपॉन माइनस 8 एंड 1 अपॉन 8 पहले हम इसका माइनस ऊपर लेके जाएंगे वही माइनस 1 की मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे करेंगे तो ये आ गया माइनस 3 अपॉन 8 इसमें अब प्लस करेंगे 3 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 8 दोनों के सेम है तो 8 ही आ गया ऊपर की वैल्यूज एज इट इज लिख दी प्लस 1 अब 3 बड़ा है 1 से तो 3 में से 1 गया 2 साइन बड़े वाले का माइनस अपॉन 8 अब इसको चाहें तो डिडक्ट कर रिड्यूस कर सकते हैं 2 1 2 2 4 8 तो माइनस 1 अपॉन 4 इज द आंसर लेट्स डू फोर्थ पार्ट इज माइनस 5 अपॉन 11 एंड 7 अपॉन माइनस 11 इसको चेंज करेंगे 7 अपॉन माइनस 11 को माइनस 1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ गया माइनस 7 अपॉन 11 तो माइनस 5 अपॉन 11 प्लस माइनस 7 अपॉन 11 ये मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज शो करता है आप देखिए 11 अपॉन में आ गया क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर है माइनस 5 प्लस माइनस 7 जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही लिख दिया है अब हम साइन खोलेंगे अब मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई का साइन है प्लस माइनस माइनस कैसे आया हमें पता है प्लस इनटू प्लस होता है प्लस प्लस इनटू माइनस होता है माइनस माइनस इनटू माइनस होता है प्लस एंड माइनस इनटू प्लस होता है माइनस राइट फ्रेंड्स आप देखिए माइनस 7 अपॉन 11 आ गया अब दोनों माइनस के हैं जब हमारे पास दोनों माइनस के होते हैं दोनों एक जैसे से होते हैं तो आपस में ऐड कर लेते हैं ऑपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक जैसे से साइन में ऐड कर लेंगे 7 प्लस 5 इज 12 तो ये क्या आया 12 साइन जो इन दोनों के आगे लग रहा है वही लग जाएगा अपॉन 11 इज द आंसर फिफ्थ पार्ट इज 9 अपॉन माइनस 13 एंड माइनस 11 अपॉन माइनस 13 फ्रेंड्स ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो ये हो गया 11 अपॉन 13 और ये माइनस ऊपर ले गए तो 9 अपॉन माइनस 13 को माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ गया माइनस 9 अपॉन 13 अब 9 माइनस का अपॉन 13 प्लस 11 अपॉन 13 क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गए थे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 13 ही आ गया जैसे ऊपर लिखा था वैसे लिख देंगे अब देखो ऑपोजिट साइन है एक माइनस का एक प्लस का है तो 11 में से 9 माइनस कर देंगे 2 बचा और साइन बड़े वाले का प्लस अपॉन 13 इज द लेट्स टू सिक्स्थ पार्ट इज माइनस 2 अपॉन 9 एंड माइनस 5 अपॉन 9 ऐड करना है
2/9 plus minus 5/9, तो 9 LCM आ गया. ऊपर जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे, कोई चेंजेस नहीं आएंगे. माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 5, ये मैंने पीछे बताया था, प्लस इनटू माइनस इज माइनस अपॉन 9. अब देखिए दोनों साइन सेम है तो हम ऐड कर देंगे, 7 प्लस 2 इज 5 प्लस 2 इज 7, और दोनों के आगे जो साइन है सेम वो लगा देंगे, अपॉन 9 इज द आंसर. लेट्स डू सेवेंथ पार्ट. सेवेंथ पार्ट इज माइनस 17 अपॉन 9 एंड माइनस 11 अपॉन 9, दोनों को ऐड करना है. 17 अपॉन 9 प्लस माइनस 11 अपॉन 9, डिनोमिनेटर सेम है तो 9 आ गया. जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही लिख देंगे, तो ये आ गया माइनस 17 प्लस माइनस माइनस अपॉन 11 अपॉन 9 इन 11 अपॉन 9. अब देखिए दोनों सेम साइन है, आपस में ऐड कर देंगे तो ये आ गया 28. साइन कौन सा लगेगा जो इन दोनों के आगे लग रहा है, माइनस अपॉन 9. राइट फ्रेंड्स, इज द आंसर. नाउ एट्थ पार्ट. एट्थ पार्ट इज माइनस 3 अपॉन 7 एंड 5 अपॉन माइनस 7. अब इस 5 अपॉन माइनस 7 है तो माइनस 1 की मल्टीप्लीकेशन डिवाइड किया तो ये आ गया माइनस 5 अपॉन 7. तो क्या हुआ, माइनस 3 अपॉन 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 7. तो 7 डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गया, दोनों में 7 था क्योंकि माइनस 3 प्लस माइनस 5. तो ये क्या आ गया, माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन 7. दोनों के सेम साइन है, आपस में ऐड हो गए और साइन इन दोनों के सामने जो लगा था वो लग गया, अपॉन 7 इज द आंसर. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.